नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज स्वीट्स पे। तो बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए हमने स्टार्ट कर दिया है करंट अफेयर का रिवीजन। यस्टरडे वी सॉ अबाउट द विजिट्स, जो भी फॉरेन विजिट्स थे, इंडियन जो भी डिप्लोमेट्स हैं या फिर मिनिस्टर्स हैं, उन लोगों ने अपना फॉरेन विजिट कहाँ किया था, किस में, और क्या उनको अवार्ड दिया गया था, या मेजर एमओयूज़ कौन कौन से साइन हुए थे, ये हमने कल देखा था। आज हम देखेंगे कमिटीज़ के बारे में। कमिटीज़ बनते रहती है रिफॉर्म्स लाने के लिए, कभी आरबीआई या सेबी या एडीआई है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ही कमिटी बनाते हैं ये लोग, ताकि जो भी रिफॉर्म्स हैं वो लाया जा सके। ऐसा नहीं होता हमेशा कि जो कमिटी का रिकमेंडेशन होता है हमेशा पास ही हो जाता है या उस पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, बट रिफॉर्म्स और अच्छे रिफॉर्म्स के लिए टाइम टू टाइम ऐसे कमिटी का गठन होते रहता है, ऑर्गेनाइज करते रहते हैं ये लोग। तो आज देखेंगे कमिटी के बारे में, और ये बेस्ड होगा जनवरी से लेकर जुलाई महीने तक का जो भी प्रोमिनेंट कमिटीज़ हैं उनका नाम, उनके चेयरमैन का नाम देखेंगे। कमिटी के चेयरमैन से ही कमेटी का नाम होता है, और वो किस चीज़ पे रिफॉर्म्स लाने के लिए वो कमेटी का गठन हुआ था, ये चीज़ देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो जनवरी के महीने में कौन कौन से प्रोमिनेंट कमेटी थे, तो ये हम देख लेंगे। सबसे पहले यूके सिन्हा कमेटी, जिसको आरबीआई ने बनाया था, ये किस लिए बनाया गया था? लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर वायबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एमएसएमई सेक्टर्स। तो एमएसएमई सेक्टर्स में वायबिलिटी कैसे लाया जाएगा और सस्टेनेबल कैसे बनाया जाएगा, इस चीज़ को, इसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए रिकमेंडेशन मांगा गया था यूके सिन्हा कमेटी से। तो ये कमेटी, यूके सिन्हा इसके चेयरमैन थे। नेक्स्ट नंदन नीलेकानी कमेटी बनाया गया था, वो भी आरबीआई ने ही बनाया था, और ये इसलिए बनाया गया था ताकि सेफ़ और सिक्योर डिजिटल पेमेंट हो सके। डिजिटल एज आ चुका है, सब कुछ, मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिजिटल पेमेंट पे ही डिपेंड कर रहा है। तो ये कितने अच्छे से इसको सेफ बनाया जा सकता है, इसको कैसे सिक्योर बनाया जा सकता है, इसीलिए बनाया गया था नंदन नीलेकानी कमेटी इन द मंथ ऑफ जनवरी। फिर शंकर डे कमेटी बनाया गया था, ये सेबी ने बनाया था, और ये किस लिए बनाया गया था? तो न्यू पॉलिसी इन कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में क्या नया पॉलिसी लाना है, किस कैसे इन्वेस्टमेंट और कैसे जनरेट करना है रेवेन्यू, इसलिए नया पॉलिसी लाया गया था, और कमेटी के चेयरमैन थे शंकर डे। तो ये था जनवरी का। नेक्स्ट देख लेते हैं फेब के जो प्रोमिनेंट कमिटीज़ थे। ओके, तो संजीव शर्मा कमेटी बनाया गया था, सीबीडीटी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, उसने बनाया था ये कमेटी, और जो चेयरमैन है ये संजय शर्मा थे। और ये किस लिए बनाया गया था, संजय शर्मा कमेटी किस लिए था, किस चीज़ के रिफॉर्म्स लाने के लिए? तो टैक्स रिलेटेड इश्यूज़ जो है, टैक्स रिलेटेड इशू और कैसे इसका कलेक्शन बढ़ाना है, कैसे मैक्सिमाइज़ करना है टैक्स बेसिस को, तो इसलिए बनाया गया था संजीव सर कमेटी। फिर अनूप सतपथ कमेटी बनाया गया था। तो अनूप सतपथ कमेटी जो बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया था कि जो हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में जो नेशनल मिनिमम वेज अभी चल रहा है, उसको रिव्यू करने के लिए। तो फ़िलहाल जो चल रहा है हमारे यहाँ का नेशनल मिनिमम वेज जो चल रहा है, वो है 4576। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि, मतलब आज के टाइम के हिसाब से जो भी मार्केट सिनेरियो है, उसके बेसिस पे जो मिनिमम वेज होना चाहिए वो होना चाहिए 9750 होना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ 4576 ही है। तो इसलिए बनाया गया था अनूप सतपथ कमेटी को। नेक्स्ट देखते हैं मार्च वाला। फिर आया उषा थोरट कमेटी। उषा थोरट कमेटी को आरबीआई ने ही सेट किया था, और ऑफशोर जो मनी मार्केट इश्यूज़ है, ऑफशोर बाहर वाला जो मनी मार्केट इश्यूज़ है, उसको डील करने के लिए ये कमेटी का गठन हुआ था, उषा थोरट कमेटी। दिनेश अरोरा कमेटी इडाई ने बनाया था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये इडाई, इंश्योरेंस सेक्टर्स
बेसिकली इसका उसको रेगुलेट करना और डेवलपमेंट करने का काम रहता है इनका। तो दिनेश अरोरा कमेटी जो थी ये किस लिए बनाया गया था, ये एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी प्रोग्राम चल रहा है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य वाला जो मिशन चल रहा है, उसका इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट कैसे होगा, उसका एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इस चीज़ को इस चीज़ के लिए रिफॉर्म्स या उस चीज़ के लिए रिकमेंडेशन चाहिए था। तो गवर्नमेंट ने इरडाई ने बनाया था दिनेश अरोरा कमेटी। फिर ए आर सी हाग कमेटी बना था। ए आर सी हाग कमेटी बनाया गया था CJI जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ही बनाया था। और इसमें क्या था, ये इनका काम क्या था, तो इनको रिफॉर्म्स सजेस्ट करना था, इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ फेम जो है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो फेम का इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट कैसे होगा, इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसको मॉनिटर कैसे करेंगे, तो ये सब चीज़ों के लिए रिकमेंडेशन चाहिए था। तो ये CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ARC Hag कमेटी बनाई थी। नेक्स्ट अप्रैल में जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी बनाया गया था वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाला जो मिनिस्ट्री है उसने बनाया था। और ये कमेटी का नाम है सी के मिश्रा कमेटी। को क्या रिकमेंड करना था, तो जो एयर पोल्यूशन है हमारे इंडिया में, जो एयर पोल्यूशन का बहुत बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, क्या मेजर्स लेने हैं, कैसे सॉल्व करना है इस इशू को, एयर पोल्यूशन वाला जो इशू है, तो इससे रिलेटेड रिकमेंडेशन के लिए बनाया गया था सी के मिश्रा कमेटी। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बिहार में भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। पटना की जो रैंकिंग है अभी 7th है इन द वर्ल्ड, और बिहार में तो 1st ही है पटना। तो क्योंकि बिहार में भी प्रॉब्लम बढ़ा हुआ है, पटना, गया और मुजफ्फरपुर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है, तो हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आ जाए कि सी के मिश्रा कमेटी किस लिए गठन हुआ था। ओके, नाउ मई महीने में बनाया गया था सुरजीत भल्ला कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही बनाया था। इनको क्या चाहिए था, इनको सजेशन चाहिए था एलिफेंट बॉन्ड्स के लिए। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि एलिफेंट बॉन्ड क्या है। एलिफेंट बॉन्ड क्या है, तो ये एक टाइप का बॉन्ड है जो जिसका मैच्योरिटी पीरियड 25 ईयर्स होगा। ठीक है, तो इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कौन करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट वो लोग करेंगे जिनके पास अनडिस्क्लोज्ड मनी है। देखिए, तो बहुत सारे लोग टैक्स सेव करते हैं, टैक्स इन्वेड करते हैं, और बहुत सारे तरीके से मतलब बहुत सारा उनके पास ब्लैक मनी हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये हायर क्लास के लोग होते हैं, बिजनेस क्लास होता है इनका, तो कौन झेलेगा ये जेल जाना, चक्की पीसना, ये सब बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं करना। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, प्रोसिक्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मतलब सजेशन मांगा था सुरजीत भल्ला कमेटी। तो सुरजीत भल्ला कमेटी ने बताया कि जिसके पास अनडिस्क्लोज मनी है और उसको प्रोसिक्यूशन नहीं फेस करना है, तो वो लोग क्या करेंगे कि वो आके गवर्नमेंट को बताएंगे कि हमारे पास अनडिस्क्लोज मनी है। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी कि अनडिस्क्लोज मनी का 50% जो है वो उनको बोला जाएगा कि इन्वेस्ट कीजिए, आप अपने अनडिस्क्लोज मनी का 50% अमाउंट को इन्वेस्ट कीजिए। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, इन्वेस्टमेंट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एकदम एक्सक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो जाएंगे होंगे उसमें इनको इन्वेस्ट करना रहेगा। तो इसलिए बना था, इसका एक ही मकसद है, मतलब अभी तो ये लागू नहीं हुआ है, अभी इसका करंट स्टेटस यही है कि ये सिर्फ रिकमेंडेशन में है। एलिफेंट बॉन्ड नाम का जो चीज़ है ये अभी रिकमेंडेशन में ही है, लेकिन इसका यही कॉन्सेप्ट है कि अनडिस्क्लोज मनी जिनके पास है वो अपना 50% ऑफ द इनकम इन्वेस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, और ये 25 ईयर्स इसका मैच्योरिटी पीरियड होगा। तो ये दोनों पॉइंट, अनडिस्क्लोज इनकम, 50% इन्वेस्टमेंट,
और 25 ईयर्स मैच्योरिटी टाइम, ये याद रखना है अगर एलिफेंट बॉन्ड के बारे में कुछ पूछता है तो, क्योंकि नया वर्ड अभी आया है ये सुरजीत भल्ला कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से। तो ये देख लिया हम लोगों ने सुरजीत भल्ला कमेटी। नेक्स्ट देखते हैं जून। तो जून में बनाया गया था के कस्तूरी रंगन कमेटी। ओह माय गॉड, ये तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए बनाया गया था। ओके, सो देयर इज अ ह्यूज मिस्टेक वेयर। ये जो कस्तूरी रंगन कमेटी था ये सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही, और एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस लाने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। तो यही है, यहाँ पे डिटेल रॉन्ग है इसलिए आई विल नॉट रफ। अदर्स कुमार गोयल कमेटी NGT ने बनाया था, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बनाया था। ये किस लिए? तो बैन करेंगे फूड जो होता है वो प्लास्टिक में नहीं पैकेज होगा, उसको नहीं प्लास्टिक पैकेजिंग नहीं करनी है, इसलिए इसको बैन, मतलब ऐसा सजेशन दिया है आदर्श कुमार गोयल कमेटी ने। ये इसीलिए सेटअप हुआ था कि प्लास्टिक पैकेजिंग के बारे में रिकमेंडेशन चाहिए था, फूड की जो पैकेजिंग होती है प्लास्टिक में, इससे रिगार्डिंग रिकमेंडेशन चाहिए था NGT को, एंड दैट इज़ वाई दे हैड फॉर्म्ड आदर्श कुमार गोयल कमेटी। फिर किरीत पारिक कमेटी, इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही सेट किया था, और ये क्या बताएंगे, इनको बताना था मार्केट स्ट्रक्चर, जो LPG है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसके मार्केट स्ट्रक्चर पे इनको रिकमेंडेशन पास करना था। ठीक है, तो वंस अगेन आई विल से यू कि कस्तूरी रंगन जो कमेटी बनी थी वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बनी थी। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट वी विल मूव टू रमेश चंद्र कमेटी। ओके, तो रमेश चंद्र कमेटी नहीं थी, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही सेट किया था। ये इसलिए बनाया गया था कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स चल रहा है या प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को लाने की बात इस कमेटी ने सजेस्ट किया है, और रिवीजन WPI जो है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो चल रहा है उसको रिवाइज़ करना है, इसके लिए सजेशन मांगा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रमेश चंद्र कमेटी से। फिर रमेश से कमेटी, इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही सेट किया था, बट यहाँ पे अगेन देयर इज़ अ मिस्टेक। इसको बनाया गया था ई कॉमर्स रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको डील करने के लिए, ई कॉमर्स के इश्यूज जो हैं इसके लिए, ई कॉमर्स के इश्यूज या फिर इसको और अच्छे से डेवलप करने के लिए पॉलिसी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, दैट्स व्हाई दिस रमेश अभिषेक कमेटी वॉज सेटअप। नेक्स्ट, अरुणा सुंदर राजन कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही तरफ से, एंड इनका काम क्या है, इनका काम है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और से रिलेटेड इश्यूज और उसके सॉल्यूशन को फाइंड करना। फिर देवेंद्र फडणवीस कमेटी बनी थी, इसमें क्या था इनका काम, इनका काम ये था कि एग्रीकल्चरल इनकम जो होते हैं फार्मर्स के, उसको बढ़ाना है या फिर उसके रिगार्डिंग कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो उस पे रिकमेंडेशन चाहिए थी, दैट्स वाई देवेंद्र फडणवीस कमेटी बनाई गई थी। अमित शाह कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही, और इनसे रिकमेंडेशन मांगा गया था सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन जो होता है वर्क प्लेस पे, इससे रिगार्डिंग रिकमेंडेशन चाहिए था, तो इसलिए बनाया गया था अमित शाह कमेटी। ठीक है, तो दिस वेयर इम्पॉर्टेंट कमिटीज जिसका सेटअप हुआ था जुलाई के महीने तक। इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल बी सीइंग अबाउट इंडेक्स और उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, और ये फिर से जनवरी से लेकर जुलाई महीने तक पे बेस्ड रहेगा। एंड फॉर पीडीएफ व्हाट यू हैव टू डू, ये इज रिटन ऑलरेडी कि PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जो 65th क्या है BPSC 65th प्री, इसको ज्वाइन करना है आपको, इस चैनल को ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको फ्री
PDF मिल जाएंगे एंड यू कैन रिवाइज द थिंग्स. अदरवाइज इफ यू डोंट वॉन्ट टू जॉइन द चैनल यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन रिवाइज इट. सो टिल देन कीप वॉचिंग अस एंड अपडेटिंग योरसेल्फ, लाइक्स एंड सब्सक्राइब टू नॉलेज ट्वीट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.